नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद कन्नौज में उस समय एक दर्दनाक हादसा हो गया जब दबिश देने जा रही पुलिस जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में जीप चालक सिपाही की मौत हो गई, जबकि दरोगा सहित चार सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक सिपाही को आला अधिकारियों सहित सभी साथी सिपाहियों ने अंतिम सलामी दी। कन्नौज से आशीष वर्मा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। हमारे कोतवाली कन्नौज की एक पुलिस जीप जिसमें कि एक सब इंस्पेक्टर और चार कांस्टेबल थे, ये रात्रि में विवेचना और दबिश में जा रहे थे कि संबंध के पास उनका वाहन जो है एक कुत्ते के अचानक सामने आ जाने की वजह से अनियंत्रित हो गया और पलटी खा गया, जिसमें सभी लोग घायल हो गए थे। तो उसमें एक दुर्भाग्य रहा कि आरक्षी कन्हैया सिंह उसकी जान वहाँ पे चिकित्सकों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी क्योंकि उनके सर में चोट आ गई थी। शेष एक सब इंस्पेक्टर और तीन आरक्षी हैं, तो उनका भी प्राथमिक उपचार हुआ है और वो लोग सुरक्षित हैं।